तो पहले भी कर चुके हैं लेकिन छोड़ दिए थे डू योर सेल्फ, इस बार नहीं छोड़ना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दो का दो कि दिए हुए एपी के प्रथम चार पद लिखना है, इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता है। दिए गए एपी के प्रथम चार पद लिखना है जबकि प्रथम पद को ए और सार्वंतर को डी से दर्शाया गया है। यहाँ पे तो प्रथम पद को दर्शाया गया है ए बराबर टू से, ये प्रथम पद है। कौन पद है? प्रथम पद है। जबकि सार्व अंतर को दर्शाया गया है डी से, दर्शाया गया है डी से, और वह है कितना? जीरो। और प्रथम पद था तू नहीं माइनस दो, ठीक है? प्रथम पद, ठीक है। और हमें निकालना है चार पद, एपी के चार पद। देखो यहाँ पर ध्यान समझना, एपी के चार पद लिखने हैं। पद की बात किया जाए, अगर हम लोग पद की बात करते तो पहला पद ए, दूसरा पद होता है ए प्लस टी, तीसरा पद होता है ए प्लस टू डी, चौथा पद होता है ए प्लस थ्री डी। तो प्रथम चार पद लिखने का बात किया जाए तो शायद हम लोग यही बेसिक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो प्रथम पद के लिए, दूसरा पद के लिए ए प्लस डी, तीसरा पद के लिए ए प्लस टू डी, चौथा पद के लिए ए प्लस थ्री डी, ये करेंगे। तो लिखते हम लोग दिए गए एपी के प्रथम चार पद, न कि सीधे चार पद, प्रथम चार पद क्रमशः, मतलब होता है लगातार क्रमशः क्या होंगे? पहला पद ए, ये माने कि माइनस टू कॉमा, दूसरा पद ए प्लस डी, टू प्लस डी बोले तो जीरो, ठीक है? यही ना डिफरेंस यही जा रहा है। पहला पद क्या है? माइनस टू, डिफरेंस क्या है? जीरो। अगर हम दूसरे पद की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? ए प्लस टू इंटू जीरो यानी कि माइनस टू, डिफरेंस जीरो दिया है। तो जब डिफरेंस जीरो होगा तो जिंदगी भर दो ही आएगा, माइनस दो ही आएगा, ठीक है? एक दो तीन, और चौथा पद भी माइनस टू प्लस थ्री इंटू जीरो, और हमने यहां से देखा क्या है? माइनस टू माइनस टू कॉमा, टू में टू से जीरो कर, गुना करेंगे, टू में जीरो से गुना करेंगे, जीरो जीरो में माइनस टू जाएंगे तो माइनस टू और माइनस टू, और यही होगा इसका फाइनल आंसर। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आसान है। प्रथम पद ए बराबर है फोर, डिफरेंस बराबर है माइनस थ्री, और निकालना है एपी के, एपी के, इसलिए एपी के प्रथम चार पद क्रमशः, प्रथम पद फर्स्ट टर्म जो होता है ए, ए बोले तो फोर, सेकेंड टर्म होता है ए प्लस डी यानी कि फोर प्लस डी, फोर प्लस डी बराबर माइनस थ्री, ठीक है? अगला टर्म की बात किया जाए तो क्या आएगा? फोर प्लस टू इंटू डी, एक टर्म दो टर्म तीन टर्म। चौथा टर्म का बात किया जाए तो फोर प्लस थ्री इंटू माइनस थ्री, ठीक है? तो क्या आया? ये आया फोर। देखो ये क्या आ जाता है? प्लस माइनस, माइनस थ्री, फोर में से थ्री गया तो वन कॉमा, तीन दुनी छ माइनस छ, चार में से छ गया तो माइनस दो, तीन तिहाई नौ, चार में से नौ गया तो माइनस का पांच, और यही हो जाता है फाइनल आंसर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं इसका फोर। तो फोर नंबर क्वेश्चन में भी देखोगे प्रथम पद जो है माइनस वन है और सार्व अंतर डिफरेंस जो है वह है हाफ का अंतर है। तो यहां भी निकालेंगे हम लोग इसी तरह से एपी के प्रथम चार पद। तो प्रथम चार पद की बात किया जाए, क्रमशः मतलब होता है लगातार लिखना। तो प्रथम पद ए, सेकेंड पद क्या होता है? ए प्लस डी, थर्ड पद ए पद क्या होता है? ए प्लस टू डी, फोर्थ पद क्या होता है? ए प्लस थ्री डी। और हमने यह फॉर्मूला पढ़ा था कि एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यही फॉर्मूला से पद निकलता है। अगर हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट को समझना, पहला पद का बात करते हैं तो ए वन लिखा जाता है और ए प्लस एन की जगह माइनस वन, माइनस वन एन की जगह माइनस, देखो ना एन की जगह वन और माइनस वन इंटू डी, तो देखो ना बन गया ए, ए बन गया जीरो इंटू डी, जीरो इंटू डी निकल के क्या आ गया? ए, यानी प्रथम पद ए वन को ए कहा गया, ठीक है? दूसरा पद रखते तो यहाँ पर क्या रखते हम लोग? पुट करते दो, दो में से एक जाता तो एक, एक को डी से गुना करते डी, तो दूसरा पद ए प्लस डी। तो क्रम सर प्रथम पद की बात किया जाए तो माइनस वन, सेकेंड पद की बात की जाए तो क्या बोलते हैं? ए प्लस डी, तो ए की जगह पर माइनस वन और डी की जगह पर कितना है? हाफ है। और तीसरा टर्म का बात किया जाए तो माइनस वन प्लस टू डी, तो टू इंटू डी की जगह पर बोला जाए तो वन बाई टू। जबकि चौथा पद का बात किया जाए तो माइनस वन प्लस थ्री इंटू वन बाई टू, ठीक है? देखो टू से टू हो गया कैंसिल, और यहां पर तुम देखोगे क्या चीज, माइनस वन, माइनस एक में से एक जाएगा, समझ ना, माइनस एक में से एक जाएगा तो नहीं आएगा, क्या नहीं दिख रहा होगा? तो हम यहां पर करके दिखा देते हैं। देखो माइनस एक कॉमा,
माइनस एक में से आधा जाएगा तो क्या होगा, माइनस आधा, ठीक है। अब देखो दूसरे दो कैंसिल, माइनस एक में से अगर एक जोड़ा जाए, माइनस एक और एक जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखो थ्री बाई टू मतलब डेढ़, थ्री बाई टू मतलब डेढ़, और डेढ़ में से एक चला जाएगा क्या बचेगा, आधा, फिर क्या बचेगा, आधा, इसमें नहीं है कोई बाधा, और यही आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं लोग फाइव। फाइव में प्रथम पद ए बराबर है माइनस का 1.25 जबकि डिफरेंस बराबर है 0.25, और ये सब क्वेश्चन इसलिए बनाना पड़ा है कि पृथ्वी बहुत तरह का लोग है, बहुत से नहीं बन सकता है तो यहाँ देख सकता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, इसलिए क्या लिखते हैं, माइनस का है ना, माइनस का है, ठीक है, माइनस का है, इसलिए हम बोल सकते हैं एपी के प्रथम चार पद क्रमशः क्या होंगे, प्रथम पद ए माइनस 1.25, दूसरा पद ए प्लस डी, तो एक जगह पर कितना है माइनस 1.25 प्लस का डी, तो डी की जगह पर भी क्या है माइनस का 0.25, ठीक है। तीसरा पद क्या होगा, तो माइनस 1.25 प्लस 2 इंटू डी, तो डी की जगह पर कितना है माइनस 0.25। चौथा पद बोले तो ए, तो ए की जगह पर क्या है ये प्लस 3 इंटू डी, डी की जगह पर क्या है 0.25, क्लियर है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो ये प्रथम पद तो मेरा माइनस 1.25 था और यही रहेगा, जबकि दूसरा पद क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, प्लस माइनस, माइनस और माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह तो माइनस ए का पड़ता है, सवा रुपया 25 पैसा बराबर डेढ़ रुपया, यानी कि 1.50 कॉमा, ध्यान समझना, देखो 25 पैसे या 2 से गुणा करेंगे, 2 को 25 पैसे मतलब 50 पैसा ना, 50 पैसा और सवा रुपया जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा 1 रुपया 75 पैसा, यानी माइनस 1.75, ठीक है। 25 पैसा 3 को रहेगा तो 75 पैसा, 75 पैसा में सवा पैसा जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा 2 रुपया, कहना भी है 2 रुपया, और यही हो गया आंसर, ठीक है। चलो नोट।